Everybody and welcome to the channel and welcome to your Farman's reading. So let's see what is the guidance coming for Farman fans for Farman. तो जैसा मैंने बोला था, I think some cards, some guidance wants to come out from this deck. तो चलिए देखते हैं एंजल्स हमें Farman के बारे में क्या गाइडेंस देते हैं. Thank you to your angels for any guidance coming for Farman. Okay. यहाँ पे desire आया and it's like upright. ओके डिजायर डिजायर थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर Farman एट दिस पॉइंट इन टाइम. Okay, so we have these two cards and I'll take this one. We'll see this later on. Desire. All right, अब हम ये कार्ड निकालेंगे. क्योंकि ये कार्ड अपराइट जिस तरह से शो अप हुआ है, व्हाई नॉट रीड दिस फॉर यू. एट नंबर का कार्ड है ये. एट, व्हाट इज दिस गॉडेस टेलिंग? सो लेट्स, दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर Farman. आई विल रीड दिस फॉर यू गाइस. ड्रीम बिगर. Puny desires constrict you. Your desires create your life, so allow them to flow boldly. You know, ये goddess आके Farman को बोल रही है, तुम छोटे छोटे ख्वाब क्यों देख रहे हो? Dream big. What do you really desire? Get specific. See it, smell it, feel it. Call it now. What you desire desires you. Does your desire flow from love or fear? Manifestations that come from fear-based desires keep you safe and small. Desires that come from your soul expands your world. ठीक है, तो Farman के को क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू ड्रीम बिग, यू नो, अपने ड्रीम्स को छोटा मत करो. प्लस वो ड्रीम फियर से नहीं होना चाहिए. दैट ड्रीम शुड कम फ्रॉम लव. दैट ड्रीम शुड कम फ्रॉम, यू नो, सॉरी, ड्रीम और डिजायर शुड कम फ्रॉम योर सोल. इट शुड नॉट कम फ्रॉम योर फियर. फियर क्या है? ईगो है. ईगो हमें फियर में रखता है, जबकि सोल हमें क्या बोलता है? यू आर यूनिवर्स चाइल्ड, एक्सपैंड योर विंग्स, फ्लाई. तो यहां पे किसी तरह का डिजायर है जो वो चाहता है, पर शायद वो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ, यू नो, सोल. लेट्स सी, यूनिवर्स उसको बोल रहा है, बी बोल्ड इन ड्रीमिंग अबाउट योर सेल्फ. डोंट, नो, डर डर के मत जियो. डिजायर, इट्स योर लाइफ, मेक इट बिग. दिस इज वॉट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल Farman. एनी गाइड, थैंक यू फॉर द डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग फ्रॉम Farman. डियर एंजल्स, वी थैंक यू सो मच फॉर दिस. For all the fans out there. So, उसके लाइफ में जो अभी प्रेडोमिनेंट एनर्जी क्या है, इट इज रिलेटेड विथ डिजायर एंड मे बी, यू नो, नॉट बिलीविंग इन हिम, काइंड ऑफ, यू नो, नॉट बींग वेरी बोल्ड विथ वॉट ही वॉन्ट्स. All right, we have the cards. The Empress hai at the center of his reading. Queen of Cups. Queen of Cups, if we are not wrong, pehle wale card mein this energy was depicted by Sumbul. Subconscious level mein Two of Wands in reverse. Past mein King of Pentacles in reverse. Conscious level mein the Death card.
द डेथ कार्ड है बट ये रिबर्थ भी है इस कार्ड में बाय द वे. ओके सो समथिंग हैज एंडेड बट कोई चीज खत्म हो गई है लेकिन ये कार्ड है क्योंकि ये कार्ड है एंड दिस कार्ड हैज द री सॉरी दिस कार्ड हैज अ रीबर्थ हिंग ईयर. तो जो भी चीज खत्म हो गई है प्रॉब्ली देर इज सम स्कोप ऑफ रीबर्थ. ठीक है और क्योंकि यहां पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ कप्स आई है. क्वीन ऑफ कप्स हमने सुम्बुल के पहले वाले रीडिंग में देखा है कि यही वाला कार्ड आया था. क्वाइट पॉसिबली ऐसा लग रहा है कि देर इज सम सुम्बुल का चीज जो वो सोच रहा है एट द सेंटर ऑफ हिज लाइफ. मे बी सुम्बुल से जो रिलेशनशिप खत्म हो गया है कॉन्शियस लेवल पे हमें वो दिख रहा है. ये चीज हो सकती है क्योंकि ये सेंटर में है उसके लाइफ में अभी और कॉन्शियस लेवल में आई थिंक द रिलेशनशिप हैज काइंड ऑफ रियली एंडेड. बट जो एंड है वहां पे भी रीबर्थ की कुछ गुंजाइश अभी है शायद क्योंकि एज पर दिस कार्ड ऑफ कोर्स और हमने यही कार्ड लिया है तो यही कार्ड रहेगा. चलो देखते हैं. टेन ऑफ वॉन्स इन रिवर्स एस ऑफ कप सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. सारे कार्ड यहां पे भी रिवर्स हैं काफी हद तक. यहां पे हम रख देंगे इसको यहां पे ये रखेंगे यहां पे ये रखेंगे. ऑल राइट सो हाउ व्हाट डू वी गेट टू नो हियर व्हाट इज हैपनिंग इन फामान्स लाइफ. फामान के लाइफ में क्या हो रहा है. ये तो एक एम्प्रेस है यहाँ पे एक बैक ऑफ द डेक में. लेट्स सी गाइस द चैरियट टू ऑफ कप्स. यहाँ पे क्या दिख रहा है. यहाँ पे तो देखो एक क्लियरली सी एक चीज जो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे देख लो. यहाँ सुम्बुल के रीडिंग में ये वाला कार्ड आया था तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ यहाँ पे. यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड भी आ गया है बाय द वे. तो अगर हम यहां से लें कार्ड्स तो एक स्टोरी जो हमें पता चल रहा है कि कुछ चीज ठीक नहीं जा रहा है लाइफ में. ये सब उसके दिल की अब बात बोल सकते हैं या फिर कुछ दबी छुपी सी बात है जिसको शायद वो सोच भी नहीं रहा है पर फिर भी कहीं ना कहीं ये सारी सोच है वहां पे कहीं पे. ओके इस चीज का रेसिड्यू है सीड्स हैं ये चीजें. वो कॉन्शियसली तो सोच नहीं रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीजें हैं कि चीजें अब आगे नहीं बढ़ रही हैं. ये रिलेशनशिप से डेफिनेटली रिलेटेड है कि रिलेशनशिप इज नॉट मूविंग यू नो आगे. काफी केओस करके रिलेशनशिप को ऐसा करके यू नो काइंड ऑफ केओस करके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोका गया समथिंग लाइक दैट. ये लोग कहां से आ रहे हैं. एक ऐसे जगह से आ रहे हैं जहां पे कुछ वर्क फ्रंट का एरिया है जो कि सही नहीं था. आई थिंक ये पहले भी ये बंदा इस तरह की बात सोच रहा था कि यू नो वर्क प्लेस सही नहीं है समथिंग लाइक दैट. और हार्ट तो ब्लीड हो ही रहा था इसका. ये वाला कार्ड इसके कार्ड में पहले भी आया है शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और ये वाला कार्ड अगर देखो तो सुम्बुल के रीडिंग में अभी आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स. सुम्बुल चाहती थी कि टेन ऑफ पेंटिकल्स ये ऐसा रहे मगर ये जो देख रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स को ऐसे देख रहा है. तो सुम्बुल जो अपनी फैमिली के लिए करना चाहती थी इसको इसका देखने का जो नजरिया है इज लाइक दिस एंड एक इंसान भी है जिसने ये ऐसा किया है. ओके तो यहां पे बेसिकली नटशेल में हो क्या रहा है बैक ऑफ द डायरेक्ट एक रेसिड्यू किस तरह की है कि शायद कोई इंसान है जिसने यू नो टेन ऑफ पेंटिकल्स पैसे के लिए या फिर यू नो अपनी सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी के लिए हार्ट उसका तोड़ दिया समथिंग लाइक दैट. फिर एक पैसे का एंगल एंड देन एक केओस कमोशन और इन सारी चीजों में एक रिलेशनशिप जो काफी सही दिख रही है क्योंकि ये अभी भी इस रिलेशनशिप के बारे में उल्टा तो नहीं सोच रहा है अच्छा ही मानी कि पॉजिटिव में सोच रहा है. पर क्या है कि बाकी सारी चीजें उल्टी. ये भी इंसान उल्टा है ये चीजें उल्टी हैं. ये सीधा है पर फायदा क्या. ये हार्ट रेंचिंग कार्ड है
ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, ये सही है तो, और ये उल्टा अगेन हो गया। तो जो भी चीजें ये रिलेशनशिप के बारे में अभी भी ये सही ही सोच रहा है, मगर ये आगे ये रिलेशनशिप बढ़ नहीं पा रहा है ये भी सोच रहा है, या फिर आगे बढ़ने से रुक गया या जो भी है। एंड ये वाला कार्ड जो सही है, पर दिस इज अ हार्ट रेंचिंग कार्ड, तो क्या सीधा क्या उल्टा इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप बेसिकली देख रहे हो कि एक वेब है जहां पे एक हार्ट है और एक रिलेशनशिप है, ये दोनों चीजें ना इन सारी चीजों में फंसी हुई है बैक ऑफ द डेक में, जैसा ये सोच रहा है कि इसका ये इसका जो ये रिलेशनशिप है जिसके कारण इसको बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, कि क्या ये सारी चीजें ना इन सारी चीजों में दब गई। देख रहे हो किंग ऑफ सोर्ड है जो कि काफी पेंटिकल से रिलेटेड है, जिसका दिमाग एक स्ट्रेटजिस्ट है या फिर जो भी है, उसका फोकस मनी है, स्टेबिलिटी इन फैमिली है एंड ऑल दोस थिंग्स है। अपने यहाँ पे एक बच्चा भी है एक्चुअली, देखो तो यहाँ पे देख रहे हो एक बच्चा है। ऑलराइट, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपने माँ बाप को पास में लाने की कोशिश कर रहा है, डू यू अंडरस्टैंड। और लाइक मनी है दिस, इस कार्ड में मनी भी है एंड रिलेशनशिप, इमोशनल कोशंट इस कार्ड में कम होता है, एज इन की पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन मनी, स्टेबिलिटी, लेगेसी, पैसा, स्टेबिलिटी, यू नो, मनी 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 काइंड ऑफ थिंग। और ये बंदा शायद इस चीज पे फोकस्ड है, ये चाह रहा है। यहाँ पे एक बच्चा है जो अपने माँ बाप को शायद पास लाने की कोशिश कर रहा है, पैसे इकट्ठे करके या समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे एक और एंगल, ये एक तो ये फैमिली वाला एंगल जो शायद इसने इंटरव्यू में बोला है वो इसके रेसिड्यू है मन में, फिर एक जो नेगेटिव पॉलिटिक्स होते रहती है, एक जो उसका करियर में जो जहां से उसको नेगेटिव लोग मिले हैं, जहां पे चीजें बिगड़ी हैं, वो एक चीज सोच रहा है वो, और किसके बारे में और इसके कारण क्या हुआ। देखो दो एंगल के बारे में वो अपने मन मस्तिष्क में या कहीं पे उसके उसके जहन में बोलते हैं ना, कहीं चीज है। एक तो ये फादर वाला चीज है जहां पे ये बच्चा अपने माँ बाप को लाने की एक साथ कोशिश कर रहा है, अपने आप को स्केपगोट बना के फैमिली में स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है, अपने आप को सैक्रिफाइस करके या जो भी सक सकते हैं अपने पिता के कारण, ऐसी एक चीज उसके दिमाग में है। फिर एक जो लोगों ने क्योस क्रिएट किया उसके उसके सुम्बुल के बिजनेस करियर फ्रंट से, ये चीज हो सकती है। तो दो चीजें यहां पे उसके मन मस्तिष्क में चल रही हैं, और इन दोनों के कारण क्या हुआ कि उसका तो हार्ट टूट ही गया, उसका जो एक अच्छा रिलेशनशिप था वो टूट गया। तो ये रिलेशनशिप अभी भी वो पॉजिटिव वे में देख रहा है, पर इसका दिल टूटा है इस रिलेशनशिप के कारण, और इन सारी चीजों के कारण जो रिलेशनशिप आगे बढ़नी चाहिए थी वो आगे नहीं बढ़ा है। तो ये उसके मन मस्तिष्क में कहीं में चल रहा है। ओके, ऑल राइट, अब ये हटाओ। कहां से हमने स्टार्ट किया था, यहां पे था ना। चलो ठीक है, अब आगे में देखेंगे कि सामने में क्या हो रहा है। एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पे, एंड व्हाट डज दिस रियली मीन, क्योंकि ये लग रहा है कि अब चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो उसको डेथ का कार्ड भी सिग्निफाई कर रहा है कि या चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बढ़ क्या नहीं रही हैं, रुक ही गई हैं। पर कॉन्शियस लेवल में तो डेफिनेटली इट्स लाइक ब्रोकन, बट रीबर्थ की हो सकता है कि कोई गुंजाइश हो वहां पे, वी डोंट नो। बट अपने मन मस्तिष्क में क्या सोच रहा है कि अब तो चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। कॉन्शियस लेवल में ऑफकोर्स इट इज डेड ब्रोकन, बट पास्ट में ऐसा लग रहा है कि इन सारे लोगों ने मिलके चीजें आगे बढ़ रही थी, आगे नहीं बढ़ पाई है, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, यहां पे भी अगर देखो तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक अपोजिट में आया है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स अपोजिट में है, यानी कि मनी माइंडेड आप बोल सकते हैं, जिसका फोकस मनी है। ओके, नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। किंग ऑफ पेंटिकल इज somebody हु क्रिएट्स empire, ठीक है। वो थोड़ा पैसा नहीं होता, उसके पास बहुत पैसा होता है, उसके पास एक लेगेसी होती है, काफी पैसा बिजनेसमैन टाइप का इंसान होता है, और वो उसके बारे में भी सोच रहा है, क्वाइट पॉसिबली ये कुछ हो सकता है जिसके बारे में वो सोच रहा है। और इट्स मोर लाइक यू नो, ये फहमान अभी जो पास्ट में, एक्चुअली फहमान की प्रेजेंट एनर्जी तो ये है, पास्ट में शायद वो किसी के बारे में, वन सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट,
Give me a moment. यहाँ पे है एम्प्रेस, ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। सिंबल से रिलेटेड जो रिलेशनशिप शायद खत्म हो गई है उसके बारे में वो कॉन्शियस लेवल में सोच रहा है। और यहाँ पे एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप है। ओके वन सेकेंड, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस क्वीन ऑफ कप्स टू गेट मोर क्लैरिटी हु दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इज। आई विल यूज दिस कार्ड। वॉट इज द रिलेशनशिप डियर एंजल्स बिटवीन दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स विद दिस क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स? वॉट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू दे शेयर? आई थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड शो हुआ है राइट, और यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड के हाथ में है क्या? चाकू है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। क्या मतलब हुआ है आपके? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैक ऑफ द डेक में है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। व्हाट डज दिस मीन? इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप नाइट ऑफ सोर्ड है। दिस एग्जैक्ट नाइट ऑफ सोर्ड शोड अप इन प्रीवियस सिंबल फार्मा एंड रीडिंग समवेयर देयर। तो व्हाट डज दिस मीन? यहाँ पे भी बच्चे हैं। व्हाट डज दिस मीन? दिस गाई इज नॉट ही, दिस गाई हैज टू बी द फादर, क्योंकि इसकी दाढ़ी भी वाइट है। और यहाँ पे एक और इंसान आ गया जो कि नाइट है, ये सुंबुल है हमें पता है। और ये क्या है? दिस इज सुंबुल, दिस इज फादर एंड दिस ही इज कमिंग इन बिटवीन। ये दोनों बीच में आ गया है और ये अपने बाइक पे बैठा है। इसके हाथ में एक एक राउडी टाइप का इमेज है यहाँ पे। एंड इट इज़ लाइक लॉट ऑफ पीपल सी दिस एज यू नो ही कमिंग इन बिटवीन द फादर एंड द डॉटर। तो दिस गाई इज नॉट फामा, दिस गाई इज इसका फादर ओनली। ओके, तो आई थिंक ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फादर। आई थिंक ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फादर। और यहाँ पे सुंबुल के बारे में सोच रहा है वो। और
Empress is about growth. More like he's thinking that Sumbul is very happy with all the success and all the growth that she is getting. She is very happy. And रिलेशनशिप तो कॉन्शियस लेवल में डेफिनेटली ख़त्म हो गई है, मगर क्योंकि एस ऑफ कप इसका एटीट्यूड है एंड बट दिस इज रेड विद दिस कार्ड. अभी इसका डेफिनेटली यू नो ही इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज करियर. जो भी चीज़ पे मेहनत की शायद काम नहीं बन रहा है, सो ही इज फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड विथ हिज वर्क. और हमें ऑलरेडी ये डिज़ायर का कार्ड आया है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हाउ ही इज यू नो नॉट फीलिंग वेरी लाइक हाउ शुड ही ड्रीम बिग एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग व्हाट ही वांट्स इन हिज लाइफ. Yeah, he is very scattered. Okay, he is also in his thoughts. काफी thought में है अपने, scattered feel कर रहे हैं. But this is something that can happen. Okay, not really happening. हो तो अभी ये रहा है कि I think he is thinking about his father, and then like you know she उसके father के बारे में भी शायद सोच रहा है वो कि उस focus on money है. And then his daughter, and like she is doing good. And father ऐसे करके. और पीछे में तो स्टोरी जो मैंने बताया वो है. कॉन्शियस लेवल में ऑफकोर्स द रिलेशनशिप हैज एंडेड एंड टू ऑफ वॉन्स इज अबाउट looking at the past. Subconscious level में two of wands past पे देख रहा है, वो past में देख रहा है. और यहाँ पे relationship end हो गई है conscious level में. तो basically what is he doing? Past में जो भी what I am getting is कि past में you know he is thinking about the relationship with Sumbul. और पास्ट में जितना भी काइंड ऑफ यू नो वर्क किया था रिलेशनशिप पे, ही इज थिंकिंग कि इट्स ऑल वेस्ट. यू नो मोर लाइक कि रिलेशनशिप में जितना भी काम किया था इससे रिलेटेड, रिलेशनशिप में जितना भी काम किया था इट वाज ऑल वेस्ट बिकॉज रिलेशनशिप फाइनली तो एंड ही हो गया. और यहाँ पे मैंने सारी स्टोरी तो आपको बताई ही है ना. देखो अब यहाँ पे कैसे लिंक हो रहा है, ये सारा स्टोरी मैंने आपको बताया है कि कैसे वो रिलेशनशिप कॉन्शियस लेवल में रिलेशनशिप इज एंडेड, राइट. डेथ का कार्ड आ गया है यहाँ पे, एंड हो गया है. बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ही थिंक्स कि शायद यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप हो सकता है. और सुम्बुल वाले रीडिंग में भी हमें पता चल रहा है कि सुम्बुल इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंसिडरिंग कि क्या इसको एक इससे बात, मुझे इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए, बात करनी चाहिए, या फिर लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए. और वही वाले रेसिड्यू शायद यहां पे भी है कि ये बंदा भी सोच रहा है कि वैसे तो रिलेशनशिप खत्म हो गई है पर क्या यहां पे एक रीबर्थ का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं शायद एक होप है कि रिलेशनशिप रीबर्थ हो सकता है. ठीक है, अब यहां पे देखो सबकॉन्शियस लेवल में वो देख रहा है कि जितना भी रिलेशनशिप पे मैंने काम किया था वो सारा, अब तो रिलेशनशिप एंड हो गया है तो सब काम जो एफर्ट किया था, केयर किया था समझाने में या क्या करने में, आई डोंट नो, पर जो भी काम किया था ना वो पानी, मतलब कि इट्स नॉट, कोई उस मेहनत का फायदा नहीं हुआ क्योंकि रिलेशनशिप तो फाइनली एंड हो गया है, समथिंग लाइक दैट ये सोच रहा है. और यहां पे क्या ये बात सोच रहा है? बिल्कुल सोच रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि कैसे वो दो एस्पेक्ट, दो लोगों को ब्लेम कर रहा है रिलेशनशिप एंड करने के लिए. एक तो उसके नेगेटिव, एक तो ये आप उसके पिताजी देख लीजिए, ये हो सकते हैं
ये दोनों चीज है, क्योंकि ये वाला चीज क्या है, ये वाला टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड सुब्बुल के रीडिंग में भी आया है ना, एंड सुब्बुल वॉन्टेड टू अर्न द मनी एंड ब्रिंग दिस मनी। सुब्बुल अपने फैमिली में ये पैसा खुद मेहनत करके लाना चाहती थी, ताकि अगेन उसका इनर चाइल्ड आ रहा है। क्यों लाना चाहती है ये पैसा, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को मिस करती है, उनको बगल में लाना चाहती है। क्यों लाना चाहती है, क्योंकि वो सारे पैसे को अर्न करके फैमिली में लाना चाहती है, क्योंकि क्या होता है कि जब पैसे रहते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, सब लोग रहते हैं एंड समथिंग लाइक दैट। तो यही वाला चीज टेन ऑफ पेंटिकल सुम्बुल के भी रीडिंग में आपने देखा होगा, सेंटर पे बैठा है। एंड हम जानते हैं कि सुम्बुल अपने फैमिली में पैसा लाना चाहती है, अपने मम्मी पापा का केयर करना चाहती है, हर चीज करना चाहती है। अब यही चीज वो उसके बारे में सोच रहा है, पर मेन काज में नहीं सोच रहा है, कॉन्शियसली नहीं सोच रहा है, बैक ऑफ द माइंड में कहीं उसके ये जहन, उसके जहन में ये बात है कि एक छोटा बच्चा है जो अब ये सुम्बुल को देखो एक छोटे बच्चे की तरह देख रहा है। सुम्बुल एज कॉन्शियस लेवल पे सुम्बुल की तरह देख रहा है, जो कि ग्रोन अप लेडी है, लेकिन जहन में किसी पार्ट में वो क्वीन ऑफ कप्स को कैसे देख रहा है, एज अ छोटा बच्चा जो कि अपने मम्मी पापा को साथ में लाना चाह रहा है, और इसीलिए अपने आप को एक स्केप गोट बना रहा है, ताकि वो सारे पैसे लेके आ जाएगा, हर कंफर्ट देगा, हर चीज करेगा, बस मम्मी पापा साथ रहे, फैमिली हैप्पी रहे। और इसके लिए वो एक किंग ऑफ सोर्ड को ब्लेम कर रहा है, हो सकता है ये इसके फादर होंगे, क्योंकि सुम्बुल की मॉम तो शायद उसके साथ रहती नहीं है, तो ये उसके फादर होंगे। कॉन्शियस लेवल में सुम्बुल को वो एज अ ग्रोन अप लेडी ही देख रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में कहीं पे जहन में अनकॉन्शियस लेवल में हमने देखा कि यहां पे वो देख रहा है कि उसने रिलेशनशिप पे बहुत काम किया था सुम्बुल के साथ, लेकिन फाइनली वो रिलेशनशिप एंड हो गया। और जो स्टोरी मैंने आपको बताई कि यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनको ब्लेम करता है नंबर वन, और दूसरा जो इसको वो ब्लेम करता है वो है ये नेगेटिव लोग जो उसके जॉब या करियर या प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये दोनों, जिसके कारण क्या हुआ, उसका हार्ट टोटली ब्रेक हो गया और आगे चीजें बढ़ नहीं पाई। तो यहां पे वो यही चीज देख रहा है कि कैसे यहां पे भी मनी माइंडेड आ गया है वो, और ये दोनों का रिलेशनशिप जैसा दिख के आ रहा है, इट्स ऑफ अ फादर एंड डॉटर, और ही इज लुकिंग एट द पास्ट। पास्ट में क्या सोच रहा है मैंने ऑलरेडी यहां पे आपको बताया है कि क्या सोच रहा है वो। दो लोगों को वो ब्लेम करता है अपने रिलेशनशिप को ये करने के लिए, एंड होने उसकी रिलेशनशिप क्यों एंड हुई है इसलिए, ठीक है, उसकी रिलेशनशिप क्यों एंड हुई है। ऑलराइट, उसके एनवायरमेंट तो ये सब चीज तो उसके दिमाग में चल रहा है। एटीट्यूड उसका पॉजिटिव है, एस ऑफ कप के साथ वो कुछ करना चाहता है, अपने करियर से रिलेटेड कुछ करना चाहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि सुम्बुल का यहां तक का रीडिंग उसके करियर और फैमिली का था, और यहां पे वो अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रही थी। यानी कि व्हाट आई एम गेटिंग इज कि दिमाग से तो वो अपने फैमिली के साथ रहना चाहती है, पर उसका दिल इज ऑलवेज लाइक यू नो काइंड ऑफ डिसीजन वाइज तो वो अपने फैमिली के लिए ही हर चीज करना चाहती है, लेकिन अगर उसकी अपनी लॉन्गिंगनेस अगर हम देख लें तो वो कहीं ना कहीं बार उस लड़के से जाके जुड़ जाती है कि इस बंदे को रिलेशनशिप को टाइम दे नहीं दे, ऐसा है वो उसका एटीट्यूड है। अब इस बंदे का एटीट्यूड और ये बंदा जो है ना, ये मेन लाइफ में सुम्बुल और उसकी फैमिली के बारे में सोच रहा है, ओके, मगर उसका अपना एटीट्यूड है कि मुझे अपने करियर में थोड़ा फोकस करना है। यू सी हाउ इट इज डिफरेंट ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम सेम ऑल्सो। सुम्बुल वाले रीडिंग में यहां पे उसकी फैमिली के बारे में सुम्बुल डिसीजन ले रही है, अपने करियर के बारे में सोच रही है, एटीट्यूड में वो अपने रिलेशन, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप बोलिए या जो भी बोलिए, उसके बारे में सोच रही है कि इसको चांस देना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक्ड फील कर रही है। एस ऑफ कप वो रिसीव यू नो नर्चर उसको कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। और इस बंदे का अगर हम बात करें तो यहां तक वो सुम्बुल के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में सोच रहा है, अपनी रिलेशनशिप कैसे एंड हो गई उसके बारे में सोच रहा है, कितना कुछ प्लान किया था इस रिलेशनशिप के लिए अब वो सारा वेस्ट हो गया ये सोच रहा है, किन लोगों को ब्लेम कर रहा है ये भी हमें बैक ऑफ द डेक में पता चला, पर कॉन्शियस लेवल में ब्लेम नहीं कर रहा है, सब कॉन्शियस में कहीं पर उसकी जहन में चल रहा है ये बात। और कॉन्शियसली वो उसकी एटीट्यूड क्या है कि वो अपने करियर पे अगेन फोकस करना चाह रहा है, जो कि ठीक नहीं चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है।
ये हमें पता चल रहा है. आसपास की चीजें बैलेंस्ड नहीं है. आई थिंक उसका सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज अनबैलेंस, यानी कि कुछ करियर में बैलेंस नहीं है. ओके, मे बी जो उसने मेहनत की थी उसका रिजल्ट शायद उसको नहीं मिला है, जो कि उस करियर के कार्ड में हमें डिसअपॉइंटमेंट आया था, लेकिन उसके बाद ही नाइन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था. तो हो सकता है फाहमान को अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आए उसमें काफी उसको सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि उस कार्ड में यही आया था कि इनिशियली तो डिसअपॉइंटमेंट होगा उसको, लेकिन बाद में उसको मेहनत, उसको काफी एक अच्छा सक्सेस मिल सकता है. तो वो अपने करियर के बारे में सोच रहा है कैसे क्या करे, अपने दिल की कुछ चीज सोच के. और यहां पे भी अगर आप देखें तो नाइट ऑफ सोर्ड आया है, यहां पे भी वो नाइट ऑफ सोर्ड से डिपिक्ट हुआ है. तो यहां पे अगर आप देखो इन दोनों को तो ये उल्टा नहीं है नाइट ऑफ सोर्ड, यानी कि यहां पे जो इसका रिलेशनशिप में ये जो भी रोल इस नाइट ऑफ सोर्ड ने प्ले किया है ये नेगेटिव रोल नहीं है. हालांकि उसने काटने का काम जरूर किया है, अटैचमेंट कॉर्ड काटने का काम किया है, या फिर ये जो छोटा बच्चा जो है जो अपने मां बाप को साथ में लाना चाहता है, अपने आप को स्केप गोट बना के इसको ये जो अटैचमेंट है जिसके कारण से ये सफर कर रही है, या फिर जो भी है इसको काटने की कोशिश की है, जो भी काटने का कोशिश किया है, यहां पे वो नेगेटिव रोल में नहीं है या फिर स्कैटर्ड रोल में नहीं है. उसने जो भी किया है बैडास बनके, देखो ये एक बहुत बैडास कार्ड है अगर देखो तो, और शायद इसी एटीट्यूड के कारण फाहमान को बहुत लोग जज भी करते होंगे, क्योंकि अगर इस कार्ड को देखोगे तो कोई भी इसको जज करेगा कि क्या टशन में है, चाकू लेके क्या टपोरी गिरी कर रहा है ना. तो इस कार्ड का जिस तरह का एटीट्यूड है नोबडी विल सपोर्ट हिम, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई ही इज इजिली जज्ड बाय पीपल. लोग इसको कुछ भी बोलते होंगे, आई डोंट नो, बट अगर ये कार्ड देखो यहां पे सिगरेट लेके हाथ में चाकू लेके टपोरी गिरी, ऐसा लग रहा है कि अपने मन का करता रहता है. Nobody will support him with this attitude. हालांकि अगर ये इसका attitude सच में नेगेटिव होता, यहां पे भी देखो बच्चे हैं. Yes, 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 yes. Oh my goodness. Give me a second. I am telling you why these kids are here, man. Why these kids are here? Super fantastic. All right. देखो ये वाला कार्ड हमने क्यों निकाला था, क्योंकि मुझे जानना था कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स फामान है या फिर उसके पापा हैं, क्योंकि ये व्हाइट दाढ़ी है तो उसके पापा लगेंगे. ये बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ, या फिर आई कुड पिक अप इंट्यूटिवली, या फिर स्पिरिट गाइज ने मुझे उसकी तरफ मेरी नजर दौड़ाई बिकॉज आई वॉज गेटिंग कंफ्यूज ऑफकोर्स. तो इन दोनों की रिलेशनशिप की क्लैरिटी पाने के लिए मैंने ये वाला कार्ड निकाला. दिस कार्ड इज अपराइट, और यहां पे जो अपराइट है इसका चेहरा देख के लगता नहीं है कि इस बंदे में कोई पॉजिटिविटी है. जस्ट लुक एट दिस कार्ड, मुंह में सिगरेट, हाथ में चाकू. कोई भी फादर ऐसे बंदे को एक्सेप्ट नहीं करेगा. हालांकि अगर आप इस कार्ड को समझेंगे डिटेल में कि भाई अगर ये इतना नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वे में आना चाहिए था. हालांकि ये ऑन द फेस नेगेटिव लग रहा है, अगर ये सच में नेगेटिव होता तो ये कार्ड ऐसा आ जाता जैसा कि मैं रीडिंग करती हूं. मगर अपराइट आया है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए ये बंदा बीच में आ गया. अगर आप लिटरली देखो तो ये फादर है, ये डॉटर है, और ये इनके बीच में आ गया और ये चाकू लेके शायद इनके रिलेशनशिप को काटने की कोशिश कर रहा है. एंड नोबडी विल रियली लाइक दिस, क्योंकि इसके हाथ में इसका जो पूरा बिहेवियर है बहुत ही टपोरी गिरी का है. हु विल सपोर्ट दिस गाय? 80% पीपल विल नॉट सपोर्ट दिस गाय. लेकिन अगर तुम यहां पे देखो, यहां पे I asked कि ये बच्चे यहां पे क्या कर रहे हैं, राइट? अब ये बच्चा जो है यहां पे भी आ गया. जब वो सुम्बुल के बारे में कॉन्शियसली सोचता है तो एज अ किंग क्वीन ऑफ कप्स ही सोचता है. ये पहले वाले रीडिंग में भी सुम्बुल हैज कम एज दिस लेडी. अब वो जहन में, जैसे मैं बार बार बोल रही हूं कि उसके मन मस्तिष्क में या कहीं जहन में ये बात भी है कि ये छोटा बच्चा जो इनर चाइल्ड है ये माँ बाप को साथ में लाने की कोशिश कर रहा है. और वो क्या बोल रहा है कि वो कोई भी पैसा लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा, सिक्योरिटी लाएगा, फैमिली में बहुत पैसा रही है, यू नो द ओल्ड स्टोरी. बट ये जो बंदा है ये बैडास बंदा है, इसको ये सारी चीजें पसंद नहीं आती है. इट्स मोर लाइक यू नो यू कैनॉट टॉर्चर द स्मॉल किड फॉर ऑल द मनी, क्योंकि ये टेन ऑफ पेंटिकल्स, इतना सारा पैसा लाना ये छोटे बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए. मे बी दिस गाय थिंक्स दैट. और ये बहुत ही बैडास है, ये उतना फर्क, ये ही इज नॉट इमेज कॉन्शियस. ओके, इसने चाकू लेके व्हाट इज ही डूइंग, ही इज
ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। और ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी ही लगेगी ऑन द फेस, लेकिन अगर तुम देखोगे ये जो सेपरेट कर रहा है, ये इस इन दोनों को सेपरेट नहीं कर रहा है, ग्रोन अप सुम्बुल को सेपरेट नहीं कर रहा है, ये चाइल्ड सुम्बुल को सेपरेट कर रहा है। चाइल्ड सुम्बुल जिसके पीछे में वो जहन में ऐसा सोचता है कि वो प्रेशर ली हुई है, तो बेसिकली वो इन माँ बाप, ये दोनों बाप बेटी को सेपरेट नहीं करना चाहता है, जैसा कि सामने में दिखता है। सामने में यही दिखता है गाइज, ओके सी इट, सामने में यही दिखता है कि चाकू लेके इन दोनों को सेपरेट करना चाहता है, बट यहाँ पे ग्रोन अप सिंबल नहीं है, यहाँ पे वो इनर चाइल्ड को फ्री करना चाहता है। उसका इनर चाइल्ड जो ये प्रेशर लिया बैठा है ना कि इतना पैसा कमाएगा, लेगेसी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, इतना सारा ओवरलोड है, इस ओवरलोड को वो काटना चाहता है। आई होप आई हैव मेड दैट क्लियर इनफ। दिस इज सुपर फैंटास्टिक, वाओ। तो अब ये बात समझ में आ गई है हम लोगों को, क्वीन ऑफ सो, किंग ऑफ सोड है ये, वो है, ऑल राइट ठीक है। अब क्या है, ये सब सारा प्रेजेंट में हो रहा है, कहने का मतलब है कि वो क्या, उसने क्या किया है वो है यहाँ पे। वो बेसिकली उसके इनर चाइल्ड को फ्री करना चाह रहा था विद ऑल द लोड एंड ऑल द बैगेज, और वो इस तरह से सोचता है उसके बारे में। ऑफ कोर्स अभी उसके करियर में थोड़ा सा बैलेंस नहीं है, जो भी जितना भी मेहनत किया उसको रिजल्ट नहीं मिला है, इस तरह की सिचुएशन है, बट होपफुल है वो बंदा, और उसको एटीट्यूड पॉजिटिव है उसका फिलहाल, बट थोड़ा सा अपने करियर को लेके बहुत मोटिवेटेड नहीं है। एटीट्यूड उसका होपफुल है, पॉजिटिव है, ओके, मगर करियर को लेके थोड़ा बहुत सोच विचार कर रहा है, और इसीलिए हमारी ये गॉडेस आई है उसको बोलने के लिए कि इतना डर डर के डिजायर मत करो, बिलीव इन योर सेल्फ, ड्रीम बिग। यू नो फियर हो गया है उसको शायद कि उसकी उसके काम नहीं बनेंगे, चाहे वो जितना भी मेहनत करे शायद उसके काम नहीं बनेंगे, एक फियर हो गया है, यू नो अंडरस्टैंड। और ये कहीं ना कहीं शायद लोग भी बोलते रहते हैं कि ही इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ सुम्बुल, सुम्बुल उसकी गुड लक चार्म है या वट एवर, बट आई डोंट रियली बिलीव इन ऑल दिस गुड लक चार्म एंड ऑल। आई थिंक कि जो भी चीज होती है आपके संचित कर्मा से आते हैं और ईश्वर ही वो आपको देता है। हम ह्यूमन बींग्स माध्यम हो सकते हैं उसके थ्रू, चलो मेरा अब, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी है, सुम्बुल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव हो रहा है, तो वो अपने लिए भी अबंडेंस ला सकती है, और सुम्बुल और फामान का जो अबंडेंस ईश्वर से आना है वो भी लेके वो एक वेसल बन के ला सकती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने संचित कर्मा नहीं किए होंगे, संचित कर्मा एज इन गुड कर्मा उसका नहीं है, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसके दिमाग में, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है ना, यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड इज अबाउट ग्रोथ, तो वो बेसिकली क्या सोच रहा है ना कि सुम्बुल के कारण ही शायद उसके उसके लाइफ में ग्रोथ था। अब ये जो फियर है ना इसके दिमाग में बैठ गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है गाइज, ओके। यू टोटली अर्न योर गुड एंड बैड कर्मास, नोबडी ब्रिंग्स गुड एंड बैड कर्मा टू यू। क्या अगर मान लो कि ये जस्ट अपोजिट होता, कि ये बंदा बहुत सक्सेसफुल होता और सुम्बुल आई रहती और सुम्बुल उसके कारण सक्सेसफुल हो जाती, तो क्या आप ये बोलते कि सुम्बुल के कारण, फामान के कारण सुम्बुल सक्सेस हो गई? सब लोग अपना मेहनत करते हैं, एवरीबॉडी थ्रोज आउट देयर ओन वर्क इनटू द यूनिवर्स, और उसी वर्क के कारण उनके संचित कर्मज होते हैं जिनके कारण उनको गुड लक और बैड लक मिलता है। हाउ एवर ये बंदा यही सोच रहा है कि उसका जो था ग्रोथ सक्सेस इस बंदी के कारण था, एंड दैट इज वाई दिस कार्ड इज शोइंग अप हियर। ऑल राइट, दिस इज, और यही फियर है इस बंदे का। ऑल राइट, ओके, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। और यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्स है, टेन ऑफ वॉन्स इज लाइक अपहिल वर्क, अपहिल वर्क है ये। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं कार्ड्स निकाल के देखूंगी फॉर मोर क्लैरिटी।
Choose friends wisely, absolutely. Go for your dreams, absolutely. Reach out for the stars, boom. Choose your friends wisely. अब क्यों बोला जा रहा है, क्या हमें ये रीडिंग में पता चला है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे ही हमें पता चल रहा है कि यहां पे जो मैंने सारा एक्सप्लेन किया भाई, वेयर इज द कार्ड, देयर आर सो मेनी कार्ड्स दैट यू हैव टू, ओके क्या नाम है, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, राइट? ये किस किस के लिए हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुम्बुल को उसके इनर चाइल्ड के बारे में सोचते हुए, उसने उसके इनर चाइल्ड को एक बर्डन जो उसका इनर चाइल्ड लेके बैठा रहता है ना, कि उसको बहुत सारा पैसा कमाना है, फैमिली में स्टेबिलिटी लानी है, उसके इनर चाइल्ड को फ्री करने के लिए उसने उस पर सुम्बुल पे बहुत मेहनत किया होगा। लेकिन क्या हुआ, फाइनली रिलेशनशिप एंड हो गया, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर ली हूं। तो उसको लगा कि क्या फायदा हुआ मेरे इस रिलेशनशिप का, ये भी मैंने बताया कि एवरीथिंग वेंट डाउन द ड्रेन। तो इस संदर्भ में भी हो सकता है कि आप जिस पे मेहनत करते हो, आप किसी को हेल्प करते हो, उसको हील करने में कोशिश करते हो, तो उसमें बहुत टाइम एफर्ट मनी लगता है, नॉट मनी बट टाइम एफर्ट, हर चीज लगता है, केयर कंसर्न हर चीज लगता है। पर फिर भी वो अगर एंड हो गया, उस बंदी ने आपको नहीं समझा या जो भी व्हाटएवर जो भी हुआ, तो ही इज फीलिंग चीटेड प्रोबेबली यहां पे, और इसीलिए उसको लगता है कि यू शुड चूज योर फ्रेंड वाइजली, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी का केयर करो और फिर बाद में वो आपको डिच कर दे या जो भी, यू कैन अंडरस्टैंड, या फिर वो आपको चूज नहीं करता, आप जो उसके लिए करते हो उसको इग्नोर कर देता है। तो इसीलिए एक बात तो बोल रहा है कि यहां पे नहीं हुआ, यू नो दैट नो, ही ट्राई टू फ्री हिज हर इनर चाइल्ड एंड ऑल दैट, एंड मे बी यू नो शी चोज हर फादर, तो ही इज फीलिंग बिट्रेड बाय दैट। तो बिट्रेयल तो क्लियरली है ही यहां पे उसके हार्ट में, है ना, बिट्रेयल, ये बिट्रेयल है इसके हार्ट में। क्यों? क्योंकि इसने अपने फादर को चूज कर लिया, उसको इग्नोर कर दिया। सो वो बोल रहा है कि कोई फायदा नहीं है, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। आप किसी का मदद करते हो तो ऐसा नहीं हो कि समय आने पे वो तुमको डिच कर दे और अपने आप अपने यू नो डिच कर दे। यहां पे ये चीज हो गई। और दूसरी चीज है कि ये भी नेगेटिव लोग हैं, जो कि सुम्बुल के फैंस हो, फ्रेंड्स हो सकते हैं या जो भी हो सकता है। पॉलिटिक्स वाला कार्ड याद है ना, तो यहां पे भी इन लोगों ने पॉलिटिक्स की। तो इसीलिए उसका एक चीज तो इस रिलेशनशिप के लिए है कि चूज योर फ्रेंड वाइजली। एक्चुअली मैंने इसको इस वे में भी एक्सप्लेन किया है, मे बी दैट वॉज गाइडेड, बट ये स्पिरिट गाइड्स का गाइडेंस है फहमान के लिए, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। क्योंकि फहमान के साथ यहां पे धोखा हुआ है, अगर आप देखो तो थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड इसका पहले का भी कार्ड में आया हुआ है और अभी भी आ रहा है। कॉन्शियस लेवल पे ये नई कार्ड दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये अपने इस दुख और दर्द को छुपाया बैठा है। ही इज नॉट प्लेइंग एनी विक्टिम कार्ड, यू कैन से दैट, क्योंकि ये कार्ड यहां पे शो अप नहीं हुआ है। तो ये चीजें शायद आपको पता नहीं होंगी, ये इसके मन मस्तिष्क में जहन में कहीं छुपी चीजें हैं। द सेकेंड थिंग इज कि स्पिरिट गाइड्स क्या बोल रहे हैं कि फहमान को बोल रहे हैं कि तुम अपने फ्रेंड्स को वाइजली चूज किया करो। फॉर सम रीजन वाइजली चूज करने भी बोला गया है। और स्पिरिट गाइड्स ने अपने दो मैसेज वापस रिपीट कर दिया है, वो है गो फॉर योर ड्रीम्स। यहां पे जो हमारी गॉडेस आई है उसको यही बोल रही है, गो फॉर योर डिजायर्स। वो क्या सोचने लग, पता है यही चीजें होती है, जब एक चीज रिपीट होने लगती है ना, शायद मार्केट में ये बहुत कॉमन थॉट प्रोसेस होगा कि फामान जो है सुम्बुल के कारण सक्सेसफुल हुआ है, यू अंडरस्टैंड। क्योंकि यहां पे जो एम्प्रेस का कार्ड आया है, एम्प्रेस इज अ करियर ग्रोथ, और यहां पे ये सुम्बुल आके उसको क्रॉस कर रही है, यानी कि उसको जो करियर में ग्रोथ मिला है उसका, ही इज ऑल्सो स्टार्टिंग टू बिलीव दिस कि वो सुम्बुल के कारण हुआ है। और अब क्योंकि सुम्बुल चली गई है उसके लाइफ से, तो उसका करियर डाउन हो गया है। और ये क्या है, दिस इज नॉट द ट्रूथ, दिस इज फियर, फियर, ओके। तो स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि तुम अपने करियर को, अपने आप को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को इस तरह से मत देखो जैसे तुमको दुनिया फोर्स कर रही है देखने के लिए। यू कैन अचीव एनीथिंग, यू नो, तुम इसके दिमाग में क्या बैठ रहा है पता है, कि मुझे जो सक्सेस मिला है, ग्रोथ मिला है, वो सुम्बुल के कारण मिला है।
और अब क्या है कि अब क्योंकि सुम्बुल से रिलेशनशिप खत्म हो गया है, अब मुझे फिर से मेहनत करना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा, और इसको ये बहुत चीजें टफ लग रही हैं। और ये कहीं कहीं लोगों ने इसके दिमाग में इतना ये ठूस दिया है ना कि ये सारा सक्सेस सुम्बुल के कारण इसको मिला है, कि इसके दिमाग में ये लिमिटिंग बिलीव बैठ गया है कि सारा सक्सेस जो उसको मिला है सुम्बुल किस कारण मिला है। एंड दिस इज रियली सैड गाइज, ओके, दिस इज रियली सैड, एंड दैट इज वाई यू शुड नॉट लिसन टू पीपल। एनीवे, स्पिरिट गाइज क्या बोल रहे हैं, रीच आउट फॉर द स्टार्स। ये बंदा अपने आप को बहुत छोटा बना लिया है इसने। और स्पिरिट गाइज बोल रहे हैं कि क्योंकि इसके पास जो गॉडेस आई है वो डिजायर वाली गॉडेस आई है, जो कि बोल रही है कि यू बिलीव इन योर ड्रीम्स। ये जो फियर तुमने अपने दिल में पाल ली है ना कि किसी के कारण तुमको सक्सेस मिल गया है और अब तुमको सक्सेस नहीं मिल सकता है चाहे तुम कितना भी मेहनत करो, ये फियर से निकलो एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड रीच आउट फॉर द स्टार्स एंड गो फॉर इट, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। तो ये चीजें हो रही हैं। और यहां पे देखो बिट्रेयल दिख रहा है उसका। और स्पिरिट गाइज ने उसको ये भी बोला है कि चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, तुम सबका अच्छा करते हो पर तुमको ही बाद में सब डिच करके भाग जाते हैं। और वट एवर, यहां पे डिच मैं क्यों बोल रही हूं क्योंकि यहां पे इसका हार्ट ब्लीडिंग हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूं। ओके, तो स्पिरिट गाइज ने इसको बोला है कि तुम सबका अच्छा करते चलते हो, क्योंकि चूज योर फ्रेंड्स वाइजली का क्या मतलब है कि किसी को भी विश्वास करके उसका अच्छा करने लगता होगा तभी बिना सोचे समझे, तो तुम सोच समझ के काम करो भाई। तो ये गाइडेंस है। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग गाइज, क्योंकि सामने लेवल पे ये बदमाश, यू नो दिस इज अ वेरी बैड एस एटीट्यूड दैट और वाइब्स ही गेट्स ही गिव्स टू पीपल। पर मैं ये भी जानती हूं कि जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, वो सामने में उनका इमेज कैसा होता है, लोग उसको कैसा देख रहे हैं, उसका वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि दिल में वो तो किसी का अच्छा चाह रहे हैं, उनके दिल में कोई लालच नहीं है। एनीवेज, दिस इज व्हाट इट इज, व्हाटएवर। चलो हो गया है सब, आई थिंक, राइट। अभी जर्नी काफी डिफिकल्ट लग रही है यहाँ पे बैगेज के साथ, यहाँ पे भी स्कैटर्ड एनर्जी है, तो दोनों का ही ब्लॉक्ड एनर्जी स्कैटर्ड एनर्जी कमिंग इन फ्यूचर है। तो अब क्योंकि ये लोग दोनों अटैच्ड होंगे एक दूसरे से, तो दोनों की आगे वाली एनर्जी कैसी है, ब्लॉक्ड एंड स्कैटर्ड, जिसपे उनको वर्क करना पड़ेगा। ओके, बंदे की एनर्जी ज्यादा काइंड ऑफ बैगेज लेडन है। बैगेज लेडन का क्या मतलब हुआ, ये अपने ऊपर बैगेज कैरी कर रहा है। किस चीज का कैरी कर रहा है बैगेज, कि मेरा सक्सेस जो था, मेरा ग्रोथ जो था, क्वीन ऑफ कप्स के कारण था। ये बैगेज अब ये बंदा कैरी कर रहा है अपने लाइफ में। अब इसका क्या करोगे, ये देखो, ये जो हर्ट है ना इसका कहाँ चला गया, ये जो है ना, ये उसको अब ये लग रहा है कि उसका जो सक्सेस था क्वीन ऑफ कप्स के कारण था, और यही बैगेज वो अपने लाइफ में कैरी कर रहा है। और स्पिरिट गाइड्स ने क्या बोला है, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, सो दैट इज व्हाट इट इज। अब हम क्या कार्ड्स लेंगे, चलो हम सरेंडर कार्ड्स लेंगे, देखते हैं इसको और क्या गाइडेंस मिलता है। वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस कार्ड, वी डोंट वांट दिस कार्ड, वी वांट द सरेंडर कार्ड्स। वेयर आर दे, फिर आते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं फामान के लिए क्या गाइडेंस आता है स्पिरिट गाइड से। सरेंडर वरी, सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप, ये अनहेल्दी रिलेशनशिप में है। और यहाँ पे हार्ट भी बना हुआ है। ऑल राइट, तो कुछ तो चिंता डेफिनेटली बनी हुई है। यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमने देखा था ना, जो अपने करियर के बारे में चिंता कर रहा है, वरी बना हुआ है। लेट्स रीड दिस, मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंग्जाइटी ड्रिवेन लाइफ
When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart. Focus on the power of your heart. Actually, इसका heart काफी जल गया है, you know. He is, और यहां पे जो cards आए हैं इसके heart पे ही actually focus है ज्यादा. इसका heart is really betrayed, guys. Okay. Let me take out that card. I don't know where it went. बट उसका हार्ट पे ज्यादा फोकस आ रहा है स्पामान का, एज इफ कि उसका हार्ट रियली ये हो गया है. गिव मी अ मोमेंट, लेट मी टेक दैट कार्ड आउट. ओके, सो वी हैव दिस कार्ड हियर. यहाँ पे देखते हैं, डू यू सी दिस, दिस इज समथिंग लाइक मे नो ही फील्स रियली बिट्रेड बाय समथिंग. लेट गो ऑफ द रिलेशनशिप दैट डोंट सर्व यू, इंक्लूडिंग अनअवेलेबल टॉक्सिक पीपल. यू डिजर्व टू बी ट्रेजर्ड बाय अदर्स एंड बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल. तो एक गाइडेंस तो यही आया है, ही इज सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल. और इसका हार्ट यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे चल रहा है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. लेट्स टेक वन पॉजिटिव कार्ड फ्रॉम हियर एंड सी व्हाट गाइडेंस ही गेट्स. हेल्पफुल पर्सन, लुक्स लाइक समबडी ही विल गेट हु विल हेल्प हिम विद अ न्यू बिगिनिंग इन हिज लाइफ. तो वाइल ही इज गेटिंग टोटली हेल्प होपलेस हो रहा है ना वो अपने करियर को लेके, समवन वांट्स टू हेल्प यू, थिंक ऑफ अ पर्सन दैट माइट हेल्प यू. ठीक है, विद अ न्यू बिगिनिंग इन हिज लाइफ. क्यों? क्योंकि उसके कार्ड में हमने देखा कि हाउ ही इज सीइंग थिंग्स, कि उसका रिलेशनशिप एंड हो गया है. और यहां पे भी रिलेशनशिप एंड हो गया है, वो ये भी देख रहा है रिलेशनशिप फ्रंट पे, वो ये देख रहा है कि रिलेशनशिप सुम्बुल के साथ एंड हो गया है इन स्पाइट ऑफ हेल्पिंग हर व्हाटएवर. और करियर में ये देख रहा है कि उसका सक्सेस जो था शायद सुम्बुल के कारण था, क्वीन ऑफ कप्स के कारण उसका सक्सेस था, जो एक लिमिटिंग बिलीव, एक फियर उसके अंदर बैठ गया है. और उसको भी वो देख रहा है कि अब मुझे फिर से हर चीज स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने बलबूते स्टार्ट करना है मुझे हर चीज. तो एक न्यू डॉन चाह रहा है वो. यूनिवर्स उसको बोल रहा है कि यस, डोंट बी डिसहार्टेंड, ये जो पेन है, हर्ट है, जो भी है. क्योंकि यहां पे देखो रिलेशनशिप, यहां पे भी देखो जो उसका जो गाइडेंस आया है हेल्पफुल पर्सन से रिलेटेड है, यहां पे अनहेल्दी रिलेशनशिप है. तो एक चीज जो आपको समझनी चाहिए ये दोनों कार्ड के डायनामिक्स से, वो ये है कि ही इज फीलिंग बिट्रेड बाय द पीपल अराउंड हिम, जिसका उसने हेल्प किया है या जो भी है. दो तरह के लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जो कि शायद सुम्बुल को उन लोगों ने बहकाया है. एक तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स वाले लोग हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स वाले लोग हैं. ठीक है, कौन लोगों ने दिल तोड़ा है? फाइव ऑफ वॉन्स, देन अगेन यू नो सुम्बुल में भी यू नो टेकिंग साइड्स विद हर फादर, ये भी उसको बिट्रे किया है. क्यों बिट्रे फील कर रहा है? क्योंकि सुम्बुल के इनर चाइल्ड को उसने हेल्प किया था, जो भी वट एवर. तो क्योंकि ये रिलेशनशिप में काफी बिट्रेड फील कर रहा है ये बंदा, तो इसका रिलेशनशिप में क्या है, विश्वास कम हो गया है. यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए यूनिवर्स ने इसको क्या गाइडेंस दिया है, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली. क्योंकि इसके लाइफ में अगेन, जैसा कि मैंने इसके पर्सनालिटी रीडिंग में सबसे पहले किया था, कि वो हर बार लोगों को हेल्प करता है मगर उसको हमेशा एक बिट्रेयल मिलता है. यू अंडरस्टैंड? यू रिमेम्बर दैट फर्स्ट रीडिंग ऑफ हिज पर्सनैलिटी जो कि मैंने बहुत पहले की थी, जहां पे मैंने बताया था कि इसने लाइफ में बहुत बार लोगों को हेल्प किया है लेकिन उसको हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट मिलता है. एंड वॉट इज कन्फर्मेशन ऑफ दैट रीडिंग देन दिस, द चूज योर फ्रेंड वाइजली, जो स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं. क्योंकि ये हमेशा बिना लोगों को समझे परखे हेल्प तो कर देता है, बट बाद में लोग ही उसको डिच करके आगे बढ़ जाते हैं. और इसीलिए शायद इसका हार्ट इतना ब्लीड हो गया, क्योंकि याद रखिए जब रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स बिट्रेयल्स होती है तो हमारा हार्ट चक्र ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है. और यहां पे भी उसका हार्ट चक्र इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि आसपास के नेगेटिविटी से, बिट्रेयल से उसका हार्ट चक्र टोटली इम्पैक्ट हो गया है. और अगर इस बंदे का अपने आप पे विश्वास कम हो रहा है अपने लोगों के कारण,
ओके, बिकॉज लोगों ने उसको बिट्रे किया है, तो यूनिवर्स भी उसको उसी वे में जवाब दे रहा है, एज इन कि जो तुम्हारे लोगों पे, जैसे तुम्हारा दिल बार बार टूट रहा है बिट्रेयल से, लोगों पे विश्वास कम हो रहा है, और अपने आप पे लोगों के बिहेवियर के कारण, बिट्रेयल के कारण जो तुम्हारा अपने आप पे विश्वास कम हो रहा है, उसको हील करने के लिए, रिसरेक्ट करने के लिए यू विल हैव वन हेल्पफुल पर्सन इन योर लाइफ, जो कि तुम्हारे लाइफ में एक नया बिगिनिंग लेके आएगा। समझ में आया? तब क्या होगा कि इसका जो ये रिलेशनशिप से विश्वास उठ गया है ना इस बंदे का, वो रिपेयर होगा, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल रिलेशनशिप पे विश्वास नहीं कर रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप पे विश्वास नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका एटीट्यूड में फोकस क्या था, उसका करियर था। यू अंडरस्टैंड, जो मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि यहां पे तो ये बंदा सुंबुल और सुंबुल से रिलेटेड चीजों को सोच रहा है, ये भी सोच रहा है कि उसके जो सक्सेस आई थी सुंबुल के कारण शायद आई थी, मगर क्योंकि रिलेशनशिप बिट्रे हो चुका है, रिलेशनशिप से बिल्कुल पूरी तरह से नाउमीद हो चुका है, और ये इसकी लंबी स्टोरी है जो कि हमने इसके पर्सनालिटी में भी देखा था। तो अब ये आप बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप के तरफ से बिल्कुल नाउमीद हो चुका है, इसको किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, और शायद इसीलिए वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपने करियर को कैसे ठीक करे ये सोच रहा है, अगर इफ इट विल बी अ लॉट ऑफ वर्क तो भी कैसे करना है। और इसका जो एक लाइफ में ये ब्लॉकेज बन गया है ना कि लोग बिट्रे करके चले जाते हैं, उसको हेल्प करने के लिए ही शायद यूनिवर्स उसको एक हेल्पफुल पर्सन भेजेगा, जो कि उसके लाइफ में न्यू बिगिनिंग लाने में उसकी मदद करेगा। और शायद ये जो न्यू बिगिनिंग आएगी, जैसा कि मैंने उसके करियर रीडिंग में बोला था कि एक तो अभी तो डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, लेकिन एक नाइन ऑफ कप्स के साथ एक विश फुलफिलमेंट भी दिख रहा है। ओके, शायद ये हेल्पफुल पर्सन दिस फामान के लाइफ में आए और उसको एक न्यू बिगिनिंग करने में मदद करे। क्यों न्यू बिगिनिंग इसके लाइफ में जरूरी है? क्योंकि अभी तो वो कॉन्शियस लेवल में अपने करियर में बहुत चैलेंजेस देख रहा है, अपने करियर का ग्रोथ जो उसको मिला वो सुंबुल के कारण मिला, ये उसके दिमाग में बैठ गया है, लोगों ने बैठा दिया है, जो भी है, और प्लस और ये फियर बन गया है उसके लाइफ में, और इस फियर से हम उड़ नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट फ्लाई फ्रॉम फियर बेस्ड एनर्जी, वी कैन फ्लाई फ्रॉम अ लव, बिलीव इन आवर सेल्फ। तो वो चीज हो गई है, और लोगों पे तो विश्वास बिल्कुल टूट गया है इस बंदे का, आप समझ देख सकते हो, क्योंकि दो दो कार्ड यही आया है ना। पर यूनिवर्स उसको बोल रहा है कि यू विल गेट समवन हु विल हेल्प यू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग तुम्हारे करियर में, और ये शायद ये करियर के रिलेटेड है, क्योंकि क्या कार्ड आया है, रीच आउट फॉर योर स्टार्स, एंड व्हाट एल्स इज दैट, वन मोर कार्ड वाज देयर, नो, बिलीव इन योर ड्रीम्स, समथिंग लाइक दैट, वो कार्ड था। तो वो चीजें हैं। So I hope that you understand, guys, what this thing is all about. Worry है, काफी चिंता है, करियर को लेके चिंता है, लेकिन ज्यादा ये तो क्योंकि यहाँ पे he met people who judged him, and उनके साथ वो खड़ा था, लेकिन he got betrayal and only betrayal. Universe will fill his heart by sending someone helpful, जो कि उसको help करेगा। Go for your dreams, reach out for your stars. This is exactly the message जो कि आया था वो goddess वाले card में, जो कि बोल रहे थे कि तुम डर के मत अपने dreams देखो, ऐसा नहीं है, you know, you get your success for what you do, it's not because of anybody else. Alright guys, so these are the two readings for Sumbul and Faman. Let's in the next video we will check इन दोनों की career कैसे जा रही है. See you there.